कृषि कानूनों के विरोध में किसान का आंदोलन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर नेशनल हाईवे 44 पर हल्द्वानी बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो कृषि के 3 कानून लेकर आई है वे किसान को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इस बीच राय से विधायक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बयान दिया है कि केंद्र सरकार से पारित किए गए 3 कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था न बिगड़ने इसको लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। दावा करते हुए कहा, हरियाणा के किसान कृषि कानूनों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, प्रदेश का किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है ये किसानों के लिए, लेकिन किस भाजपा उसको फायदेमंद बता रही है, लेकिन विरोध ये जो केंद्र सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए 3 कानून पास किए हैं और तीनों कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठनों ने विरोध के लिए विरोध करना है, किसानों के फायदे के लिए कदम नहीं उठा रहे। किसानों के फायदे के लिए जो काम करना था वो तीनों कानूनों में सरकार ने किया है। उसके बाद जो उनकी मांग है, जो उनकी बात है, वो एक प्रायोजित ढंग से वहाँ पंजाब के अंदर जो सरकार है उसने विपक्ष की जो भूमिका होती है वो ना निभाते हुए किसानों की आड़ में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए किसानों को उकसाने का काम किया। सर, जो कमर जी ने का समय दिया है उन्होंने, और जो ये किसान संगठन है ये जब एक प्रायोजित ढंग से जब वो आंदोलन चलाते हैं तो इस प्रकार के बहाने भी लगाते हैं। सरकार की हमेशा से ही खुली मन से बात करने की मंशा रही है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कई बार उन्होंने बोला भी है, देश के प्रधानमंत्री ने ही बोला है, देश के कृषि मंत्री ने बोला है, हमारी जहाँ जहाँ भी सरकारें सभी मुख्यमंत्रियों ने भी बोला है, लेकिन सिर्फ पंजाब के अंदर एक योजना के बनाकर ये आपकी समझ में भी आ जाएगा, हरियाणा के किसानों की समझ में आ चुका है। ये पंजाब के किसान हैं, एक जिस प्रकार की उनकी मांग है जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं वो उसको लागू करके दिखा दें। लेकिन जो भी किसान की इनकम बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट ने के अंदर था वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही है, क्योंकि मोदी जी ने वायदा किया है किसानों से कि उनकी इनकम को बढ़ाएंगे और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए जो जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं वो सारे तरीके अपना के किसान के हित में हम काम करें। किसान सर, जो कानून है किसान को बर्बाद करने वाला है, जो केंद्र में बैठे हैं उनको किसान खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं 80% ऐसे हैं जो किसानी के काम से जुड़े हुए हैं और किसानी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में जो लोग हैं मुझे जिस प्रकार से लगता है कि उसमें जिस प्रकार की किसान की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं वो उसका नहीं जानते। वो तो एक मोरा बने हुए हैं और जो मोरा बनता है, अगर आप मीडिया के भाई हैं उसी ट्राली में बैठे हुए अगर किसी लोगों से बात करोगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मांग। सर, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी की व्यवस्था, जब कोई भीड़ आती है तो कानून अपने तरीके से काम करता है और बहुत अच्छे ढंग से, कोई जीटी रोड पे कोई लोग परेशान ना हो, प्रदेश की जनता परेशान ना हो, उसके लिए ये कदम उठाए गए हैं। जो व्यवस्था बनाई गई है उनको खुला रास्ता दिया गया है, वो खुले रास्ते से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।